बचपन से हमारा जानवरों से ताल्लुक थोड़ा मजबूत रहा। तो मेरे उस्ताद जो हैं जिनके अंडर मैं PhD कर रहा हूँ, उनका कहना ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता है, वो कहते हैं कि इंसान जब चीज़ बनाता है तो वो बैच प्रोडक्शन में बनाते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। ये रिमोट प्रोड्यूस करना है जी, 2000 प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होगा। अब इंसान जो चीज़ें बनाता है ना, वो यूनिक नहीं होती, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम का ये कहना है कि अल्लाह ताला जब चीज़ें बनाते हैं तो वो सब यूनिक होती है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब कहते हैं कि आप समंदर से एक मछली निकाल लें, वैसी मछली पूरी दुनिया में कहीं आपको मैसर नहीं आएगी। जैसे आप इंसान हैं, इंसानों को पहचानने के लिए आपका चेहरा है, आपका फिंगरप्रिंट है। हम ये कहते हैं ऐसा फिंगरप्रिंट जो आपका है पूरी दुनिया में किसी और शख्स का नहीं होगा। तो ये रिसर्च करने के लिए जो है ना, मुझे टारगेट मिला था जानवरों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये हमने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 1.5 बिलियन काउस की पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक। तो अल्लाह ताला ने जब इतने इंसान बनाए, 20 बिलियन, तो उनके मैनेज करने का निज़ाम बनाया है। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में 1.5 बिलियन काउस भी हैं, तो क्या इसको भी मैनेज करने का कोई निज़ाम है? ये मेरी तहकीक का अव्वलीन नुक्ता है जो मुझे दिया गया था। और क्या हमारे पास कोई ऐसा सलूशन है? तो हमने जो है ना 24 महीने के अंदर ये सलूशन बनाया। ये लाइव है प्ले स्टोर पे, आप चेक कर सकते हैं, इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं गाय, इसका चेहरा देखें इस गाय का, और इस गाय के चेहरे में ये वाला हिस्सा देखें, ये इसकी नाक है। अब हम ये कहते हैं, हमारी रिसर्च वर्क ये है कि अल्लाह ताला ने जो गाय की नाक है ना, ये AI के थ्रू हमने इस एल्गोरिथम को लिखा है, इसके अंदर कुछ पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न कयामत तक किसी और दूसरे जानवर की नाक में नहीं मिलेंगे, ये इसकी यूनिक आइडेंटिटी। तो हमने एक ऐप बनाई है और एक एल्गोरिथम बनाया है, उसके अंदर आप किसी भी जानवर के पास जाएं, उसकी तस्वीर लें, ये एल्गोरिथम खुद ब खुद इसको कट करेगा, कट करने के बाद एक पासपोर्ट बना लेगा। इस ऐप का नाम है एनिमल पासपोर्ट। जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं वैसे ही आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। हम इसमें जानवर का आइडेंटिटी नंबर लेते हैं, उसका एज, उसकी जेंडर क्या है, वो गाय है, उसके मालिक का नाम क्या है, और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी, और ये सारी शेयर हो जाती हैं। तो ये ऐप इस वक्त लाइव है, और इसको बनाने के लिए हमने इसकी टेस्टिंग 7000 जानवरों पे की है। मतलब 7000 जानवरों का सैंपल है मेरे पास, फिर उसके बाद मैंने इसकी टेस्टिंग की है, और टेस्टिंग करने के बाद ये प्रूव किया है कि गाय की जो नाक है ना, वो अल्लाह ताला ने अलग बनाई। कोई भी दूसरी गाय ऐसी नहीं होगी जिसकी नाक इसकी नाक जैसी हो, यानी इसकी नाक में क्या है, फीचर्स हैं, पैटर्न्स हैं। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की इन्होंने बात की, तो हमने इस रिसर्च को करने के लिए जो डेटा सेट बनाया वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेट है। जो लोग इंटरनेशनल जर्नल्स या पब्लिकेशंस को जानते हैं, या बैन अल-अक़वामी जरीदे से जिनका ताल्लुक होता है, तो एक जर्नल है डेटा इन ब्रीफ, Q2 जर्नल है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, उसने इसको रिकोगनाइज भी किया है कि दिस इज़ द बिगेस्ट डेटा सेट ऑफ एनिमल बायोमेट्रिक फ्रॉम पाकिस्तान। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेट है। और कहाँ से कलेक्ट हुआ है? पाकिस्तान में कलेक्ट हुआ है। हमने कराची, लाहौर, कश्मीर, जहाँ जहाँ जानवर अवेलेबल होते हैं वहाँ पे इस काम को किया। और ये जो है ना, 7000 जानवरों पे टेस्टिंग के बाद, फिर अहम बात ये है कि सिर्फ 7000 जानवरों पे टेस्टिंग नहीं की, जब ये इनोवेशन पाकिस्तान में आ गई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने हमारे PhD के ऊपर हमें कॉपीराइट्स भी दिया कि ये काम हमारा ही है और ये पाकिस्तान में हो, यानी कोई और शख्स ये काम, इस रिसर्च पे अब काम नहीं करेगा, ठीक है। ये इदारा है कि हम गवर्नमेंट से लेते हैं कि हमने ये काम किया है और इट्स नाउ अप्रूव रिसर्च। तो इस वक्त ये लाइव ऐप है। सिर्फ यही नहीं होता, हम दांतों की तस्वीर लेके उसकी उम्र भी बताते हैं। अच्छा, सवाल ये है, ये देखें, ये भी ऐप में लाइव है, आप दांतों की तस्वीर ले, वो बताएगा ये कितने साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, जैसे कुर्बानी में मसले मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, ये काम मेरा सिर्फ गायें तक महदूद है, अब मैं और जानवरों की तरफ रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है, ये अहम सवाल है सबसे ज़्यादा, ये लोग मुझसे अक्सर करते हैं कि 24 महीने ज़िंदगी के 2 साल आपने रिसर्च पे लगा दिए, इसका फ़ायदा क्या है? मतलब क्यों किया आपने? क्या करेंगे हम गाय का पासपोर्ट बना के? इसका नाम है एनिमल पासपोर्ट। ये लाइव है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइव है, इट्स रनिंग, लोग चला रहे हैं इसको दुनिया में। फ़ायदा क्या है इसका? तो फ़वाद हज़ारों गिनवा सकता हूँ, कुछ मुख्तसर फवाइद पे बात करता हूँ आपसे। दुनिया में एनिमल आइडेंटिफिकेशन के तरीके मौजूद हैं,
यानी जानवर को पहचानने के। अच्छा, जानवर को पहचानने के क्या तरीके हैं? बहुत शदीद अंदाज में लोहा गर्म करें और जानवर पे सिंबल लगा दें, ठीक है? तो जानवर की स्किन पे वो जिंदगी भर के लिए एम्बेड हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जानवर के कान में इस तरह का रंग लगा दें पॉइंटर करके। सबसे कॉमन तरीका दुनिया में क्या है जानवर को पहचानने का, जानवर के कान में सुराख करते हैं लोहे से और एक टैग होता है पीले रंग का, आप सबने देखा होगा, वो टैग जो है ना मशीन से लगा देते हैं। और उसके बाद स्प्रिट होता है, स्प्रिट उससे ताकि जख्म ना बन जाए वो इसके कान में लगाते हैं। ये भी जब आप लगाते ना तो जानवर दो दिन तक सही दूध नहीं देता, कोई तकलीफ होती है उसे। तीसरा तरीका क्या है, प्लास से जो है ना आप कान नोच देते हैं, इसको एयर नोचिंग कहते हैं। तो ये मशहूर तरीके हैं दुनिया के अंदर। हर तरीके के अंदर ना कोई कॉस्ट है, मेरा वाला जो तरीका है उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। और जानवर की जो स्किन है उसको कोई 1% का भी नुकसान नहीं है। दूर से खड़े होकर तस्वीर लेते हैं, हम जानवर को छूते भी नहीं है ना जानवर के कान में सुराख करते हैं। अच्छा, एनिमल वेलफेयर के जो इदारे जो बहुत ज़्यादा जानवरों के हुकूक की बात करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सुप्रीम सोल्यूशन है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ हमने इसलिए सोल्यूशन नहीं बनाया कि जानवर को तकलीफ ना हो, ये भी अच्छी बात है कि हम ये चाहते हैं कि जानवर को तकलीफ ना हो। हमने देखा कि कुर्बानी के ज़माने में या दीगर ज़मानों में 4-4, 5-5 हज़ार जानवर एक्सपोर्ट होते हैं। अब आपने जो जानवर एक्सपोर्ट किया था वो 600 किलो का था, जो यहाँ पे पहुँचा वो 400 किलो का है, बीच में जानवर रिप्लेस हो जाता है और रिप्लेस हुए हुए जानवर को पकड़ने का कोई तरीका नहीं। तो आपने जानवर वहाँ पे भेजा था, वहाँ से स्कैन कर लिया, यहाँ उतरा तो आपने स्कैन कर ली। अब इन्होंने डिजिटल की बात की, सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, आने वाले वक्तों में आप जानवर भी ऑनलाइन सेल और परचेज करेंगे। तो आपने वहाँ स्कैन कर दिया उसने आइडेंटिटी और आपने यहाँ स्कैन कर दी। इस ऐप के अंदर OTP भी है, आप बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ओनर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक पिन कोड आता है वो पिन डालते हैं। तो मैंने जानवर इन साहब को बेचना है तो मैं इनको बेच रहा हूँ, बस मैं इनकी तरफ ट्रांसमिट करूंगा, इनके पास OTP आ जाएगा, जैसे ये OTP डालेंगे, वो कोड डालेंगे, ये जानवर मेरे अकाउंट से निकल के इनकी ऑनरशिप में आ जाए। जापान के अंदर जहाँ जहाँ गोश्त बेचा जाता है उधर ID नंबर होता है, आप ID नंबर डालें, किस फार्म में जानवर बड़ा, कहाँ बड़ा हुआ, कौन कौन सी वैक्सीन लगी और आपकी प्लेट में गोश की सूरत में कैसे पहुंचा, वो सब का सब ट्रैक हो जाता है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर गोश खाएंगे ना तो वो कसाई की दुकान से नहीं उठा के खाएंगे, पूरी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी उसकी। मीट वन आज अगर आपको आज गोश्त बेचता है, मीट वन से ऑनलाइन ऑर्डर करें आप गोश्त, तो देखें उसने टैग नंबर लगाया हुआ है। तो ये भी बताता है कि ये वैक्सीन लगी, इस फार्म में पला बड़ा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, इससे पूरा ख़ानदान ट्रैक हो सकता है। आपने अपने शिनाख्ती कार्ड पर देखा है ख़ानदान नंबर, तो इसमें जानवर का पूरा ख़ानदान नंबर मेंटेन किया जा सकता है। तो जानवर में कोई डिजीज़ आई वो कहाँ से चली थी और किस नस्ल से कहाँ तक पहुँची, वो सारा का सारा मामला इसमें ट्रैक किया। एक और इसका बड़ा पॉपुलर यूज़ है, आप नेस्ले का नाम सुना होगा, आपने उमंग का नाम सुना होगा, आपने मियाँ मंशा का नाम सुना होगा, आपने ओलपर्स का नाम सुना होगा, ये सब जो है ना लोकल प्रोडक्शन है, इन सब के पास फार्म में 4-4 हज़ार जानवर खड़े। अच्छा, एक नॉलेज की बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो जानवर है ना वो साहिवाल ब्रीड का होता है, वो 13 लीटर दूध देता है, 13 से 14 लीटर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फ्रस्टीनियन ब्रीड होती है, वो देता है 34 लीटर दूध। तो हमारे पास अक्सर क्या होता है, बड़े बड़े फार्म जो है ना वहाँ से जानवर मंगवाते हैं, कोई भी जानवर इसको 12 लाख से कम का नहीं है कीमत में। तो ये लोग क्या करते हैं, उन दोनों जानवर को क्रॉस कराते हैं और एक बीच की ब्रीड बनाते हैं जो 23 लीटर दूध देता है। हमारे फार्म पे सब में वही जानवर खड़ा होता है, तो डेट इज़ द क्रॉस। तो होता ये है कि ये सारे जानवर ना अक्सर इंश्योरेंस हुआ होते हैं इन जानवरों का, अक्सर फार्म्स ये करते हैं कि इंश्योर कराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब जानवर मरने वाला होता है ना एक ही तरह का होता है, फार्मर जो है वो टैग निकालता है उसके कान से मरने वाले पे लगा देता है, उसके पैसे क्लेम कर लेता है। तो ये एक बहुत मेजर यूजेज है इसका। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेज है। आप ये भैंस कॉलोनी का जो इलाका है फास्ट यूनिवर्सिटी के आसपास, ये विजिट करें, हज़ारों फार्म्स हैं, कोई एक शख्स भी टैक्स नहीं देता। तो अगर ये जानवर डिजिटल हो जाएगा तो इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत सारे यूजेज हैं इसके, मैंने एक यूजेज इस पर बताया। अब हम मज़ीद इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मेरा PhD इसको कंटिन्यूड है, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, ये भी हैरान होने वाली बात है, वो आ रही है कैमल पे। तो दिसंबर में हम जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक में इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तबूक एक जामिया है सऊदी मदीना से 6 घंटे की दूर पे, तो हम वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी डिमांड ये है कि आप हमारे पास से 200 ऊँटों का डाटा ले जाएं
और उस पे सोल्यूशन बना के दे। तो उनके मुताबिक ऊंट जो है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में चले जाता है तो उनके लिए फड्डे हो जाते हैं, वो इतना मुकद्दस या उनके लिए इतना करीबी या जैसे साथी दोस्त की तरह। तो बहुत सारे लोग हैं जो है ना कुत्ते बिल्लियों की तरफ जाते हैं या बकरों की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें मैंने जो कुत्ता है उसके अंदर भी मैंने ये आइडेंटिफिकेशन फीचर देखा है। बिल्ली की नाक बहुत छोटी है, बकरे की नाक बहुत छोटी है, तो इसमें अभी तक मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ। खैर, तो इसका जो ना ये इसकी ऐप है ये मौजूद है प्ले स्टोर पे, और पाकिस्तान की तकरीबन कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जिसने इसको कवर नहीं किया हो। ये इंटरनेशनल जर्नल है जिसमें ये छप चुका है ये पेपर, तो ये आप पढ़ सकते हैं। गूगल स्कॉलर अगर किसी को आइडिया हो तो वी हैव पब्लिश अराउंड 17-18 रिसर्च पब्लिकेशन। आप लोग भी पब्लिश करते होंगे इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन, तो हमारी एक AI वाली रिसर्च पब्लिकेशन है। तो मेरे नाम से आप ढूंढेंगे तो गूगल स्कॉलर में आपको ये सारी पब्लिकेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, अब ये रहा गूगल स्कॉलर, इधर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। खैर, अच्छा अब ना मैं आखिरी और बड़ी ही अहम तरीन मिसाल जो शख्स किसी भी ज़िंदगी के शोबे से ताल्लुक़ रखता है उससे मैं बात करता हूँ। अच्छा, मैं AI पे कोई आज मतलब पिछले आज से पहले कोई 200-300 लेक्चर दे चुका होऊंगा, ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंट लेक्चर दिया करता था मैं किसी ज़माने में। जब से PhD आया तो मैं रुक गया हूँ थोड़ा सा। तो वहाँ पे ना समझे 200 में से 95 यानी 90% मुझसे एक सवाल बड़ा कॉमन किया जाता है हर जगह पे, कोई भी हो, टेक्निकल हो, यूनिवर्सिटी हो, इदारा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई रिसर्च कॉन्फ्रेंस हो, एक सवाल बड़ा कॉमन है मुझसे। लोग कहते हैं कि AI से सारे मसाइल हल हो रहे हैं, चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? क्या आप लोगों की जॉब्स ख़त्म करने आए या लोगों की जॉब्स किल करने आए? तीन मिसालें दूंगा, एक बहुत ही आला मिसाल रिसर्च पब्लिकेशन के साथ और एक आपकी कराची शहर की मिसाल। दाऊद इस्लामी का एक इदारा है, जब भी कोई अभी मेरा एक स्टूडेंट है हसन रज़ा, वो वहाँ पे काम करता है, ही इज़ इंट्रोड्यूसिंग AI देयर। कभी हमारी मुलाकात भी होगी उनसे, आपसे मिलवाऊंगा मैं। तो होता क्या है, जब भी प्रोग्राम होता है ना दे रिकॉर्ड, और 10 बंदे बैठ के उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसको लिखते हैं। जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो सारी रिकॉर्डिंग लिख ली गई, अब फिर उसे किसी जरीदे में या किसी बुक बना के पब्लिश कर दिया जाए, या कोई मुजाकरा है उसे लिख लिया गया। अब वहाँ पे 10 बंदे ये काम करते हैं, ये जॉब है 10 बंदों की। वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हमने इंट्रोड्यूस करा, ये इस वक्त काम कर रहा है, इट्स लाइव, ये चल रहा है इस वक्त, ट्रांसक्राइबिंग सॉफ्टवेयर है AI के थ्रू। जो भी वॉइस है, जो भी बयान कर रहे हैं, बस हमने वो सॉफ्टवेयर ऑन किया हुआ है और वो सारा टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यानी अब कोई बंदा रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहा, वो खुद ब खुद राइटिंग में आता जा रहा है, यानी वॉइस टू टेक्स्ट सब कुछ रिकॉर्डिंग में आता जा रहा है। अब रिकॉर्डिंग इस वक्त रोज़ ही रिकॉर्डिंग होती है, होता क्या है, जो गलतियाँ थी ना, एक दो गलतियाँ भी जाहिर सी बात है, 100% AI तो परफेक्ट नहीं है, तो हमने वो सारी गलतियाँ लिस्ट डाउन कर ली, 2000 गलतियाँ। अब 99% एक्यूरेटी मॉडल चलता है, वो 10 लोग अब 2 हो गए, वहाँ अब 10 लोग काम नहीं कर रहे जो रोज़ बैठ के रिकॉर्डिंग सुने, फिर उसके बाद उसको लिखें और कंप्यूटर में फीड करें। वॉइस टू टेक्स का AI सॉफ्टवेयर है, बस आपने बयान चला दिया और उसने सारी की सारी ट्रांसक्राइबिंग कर, तो वो 10 लोग अब क्या हो गए, 2। आगे चलते हैं, इन्हीं के पास जो है ना रिकॉर्डिंग, ट्रांसलेशन, करेक्शन, ये सारा कुछ इंप्लीमेंट हो गया। अब गलतियां भी आती हैं, ठीक है, हमने एक दफ़ा सेट कर दी गलतियां, 10 दफ़ा कर दी, 20 दफ़ा कर दी, अब क्या किया हमने, गलतियों की एक डिक्शनरी बना दी कि AI हमेशा ये गलतियां करेगा, लेट्स करेक्ट इट। अब जब रिजल्ट आता है इट्स 100% एक्यूरेट, कभी गलती नहीं होती।